मेरा नाम आदिल हसन है। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता के परिभाषा मेरे हिसाब से ये है कि जब एक इंसान अपने जज्बातों के हुस्न को लफ्ज़ के दर लिबास के पीछे छुपा देता है, उसे कविता कहते हैं। तो कविता मैं शुरू करना चाहूँगा जो है सिसकती इंसानियत के नाम। आज ज़रा मैं आपको ज़माने का सच सुनाना चाहता हूँ। आज ज़रा इसकी हकीकत को आपके सामने बेपर्दा करना चाहता हूँ। एक सवाल है जो मेरे मन में बसता है, रोज अपनी मुट्ठी में मेरी सोच को ये कसता है कि क्यों एक ईमानदार आदमी चैन की नींद का भूखा रो रहा होता है और वहीं एक बेईमान सुकून से अपने बिस्तर पर सो रहा होता है, कि क्यों हम प्यार को अपने पैरों से रौंद कर नफरत से जा टकराते हैं और अपने दिल के पिंजरे में दुख को कैद किए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहटें सजाते हैं। क्या अब ये सच्चाई कभी नहीं बदल सकती कि दुनिया में इंसान तो है बसता मगर इंसानियत नहीं बसती। क्या बात, क्या बात। एक घटिया सोच के खंजर से कोक में पल रही लड़की की जान ले ली जाती है। तेरे अंदर का शैतान देखकर ही वो तुझे ठुकराती है, जिसकी सजा भी उसको मिलती है और वो अपने चेहरे को जला हुआ पाती है। ऐसे दरिंदों से अपनी बच्ची को बचाने के लिए एक माँ उसे सारे जहां से छुपाती है, जिसकी वजह से उसके सारे ख्वाब सारी मंजिलें मिट्टी में मिल जाती हैं। ऐसे जहां में एक लड़की कैसे है खुश रह सकती, जहां इंसान तो है बसता मगर इंसानियत नहीं बसती। बहुत बढ़िया। एक बाप जो अपने बेटे की खुशी में झूमता है, आज उसके बेटे के होते हुए वो सड़क किनारे सोता है। एक माँ का प्यार जो उसके बच्चे के दिल को हर दुख और दर्द से बचाता है। ये बेमौसम की बारिशें इस बात का सबूत है कि उसका सूजा हुआ मुंह और बहता खून देखकर आसमान भी रो जाता है। जब जब एक बाप दुखी होता है, जब जब उजड़ती है एक माँ की गृहस्थी, तब तब मुझे यकीन होता है कि दुनिया में इंसानियत नहीं बसती। क्या बात, क्या। धर्म के नाम पर तू लोगों में बंटवारा कर जाएगा और ऐसी सोच के साथ तू जन्नत में जाएगा। अरे जहां पड़ेंगे तेरे घिनौने कदम वो स्वर्ग भी नर्क बन जाएगा। चंद पैसों के लालच में कब तक अपने ईमान को जलाएगा। ये विधवा हो रखी दुनिया एक बे इंतहा खूबसूरत दुल्हन की तरह सजती, अगर इन इंसानों के साथ इनके दिलों में इंसानियत भी बसती। बहुत बढ़िया। मेरे माँ के चेहरे से जब धूप की किरणें फिसल कर पानी की तरह बूंद बूंद मेरी आंखों में टपकती है, मेरी दुख भरी शामें मेरे दोस्तों के साथ जब खुशी से सजती है, जब मुझे नफरत के अंधेरे में भी प्यार का नूर दिखाई देता है, जब मुझे शैतानी सन्नाटे में भी फरिश्ते सा शोर सुनाई देता है, तब तब ये सवाल मेरी सोच को है डसती कि क्यों दुनिया में इंसान तो है बसता मगर इंसानियत नहीं बसती। अपनी पुरानी सोच का मैल अपने कानों से निकाल, तब तू मेरी बात समझ पाएगा। अरे अपनी छोटी सोच के चलते कब तक इस दुनिया को दबाएगा। और ये समझदार लोग क्यों अपनी बात कहते शर्माते हैं, क्यों अपनी सोच की कमीजें ये ईमान के गरीब लोगों से सिलवाते हैं। कब तक इसी तरह दुनिया तड़पती रहेगी, कब तक हैवान पैदा होता रहेगा और इंसानियत सरेआम कटती रहेगी। एक सवाल मेरे दिल के कटघरे में हर रोज हाजिरी देता है, एक सवाल मेरे दिल के कटघरे में हर रोज हाजिरी देता है कि क्या बसेगा इन लोगों में खुदा जब यहाँ इंसान में इंसान नहीं बसता है। क्या बात, क्या बात। अब मैं ये कह के अपनी कविता खत्म करना चाहूंगा कि कुछ वक्त बचा है। बुराई से फट कर इंसानियत के जो लोथड़े पड़े हुए हैं, बुराई के बम से फट कर इंसानियत के जो लोथड़े पड़े हुए हैं, उनको जोड़कर उनका उनमें जान भर कर उनका खुदा बनने के लिए कुछ वक्त बचा है। ये हैवानियत की फिजाएं, ये हैवानियत की फिजाएं जो इंसानियत की धूल को अपने साथ उड़ा ले जा रही हैं, उन हवाओं का रुख मोड़ने के लिए कुछ वक्त बचा है। अगर तुझे लगता है तू अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, अगर तुझे लगता है तू वक्त के समंदर में डूब कर मर जाएगा, अगर तुझे लगता है तू मौत के खाई के छोर पे खड़ा है, तो पलट पलट और कह अपने खुदा से कि मैं इन लोगों को हंसाना सिखा कर आऊंगा, मैं इनके आंसू पोंछ कर आऊंगा, मैं उस बाप को उसके बिस्तर पर सुला कर आऊंगा, मैं उस जले हुए मुंह का इंसाफ करवा कर आऊंगा, मैं उस माँ के बहते खून को रोक कर आऊंगा, मैं इंसानियत की गुलामी की बेड़ियां तोड़ कर आऊंगा, मैं हैवानियत की राज का गला घोट कर आऊंगा, मैं आसमान से बरसते अंगारों को मोहब्बत के शबनम में तब्दील कर आऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ वक्त बचा है। हमारी इंसानियत हम इंसानों से एक सवाल पूछ रही है कि क्या अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊं। उसको पुकार देकर उसको रोकने के लिए हमारे पास कुछ वक्त बचा है, सिर्फ कुछ ही वक्त बचा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।